हेलो डियर लर्नर्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलर को लेके जो आज ही आया है और ये जो सर्कुलर है ये है टर्म टू एग्ज़ामिनेशन के बारे में तो भाई सीबीएसई ने यहाँ पर बोला है कि फिफ्थ जुलाई 2021 को जो नोटिफिकेशन आया था सेशन ट्वेंटी वन के लिए उसमें साफ सी सी ने मैंशन किया था कि दो टर्म्स में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा अब यहाँ पर सिचुएशंस अलग अलग रखी गई थी तो जो टर्म वन एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी कंडक्ट किया है बोर्ड ने ये आपको पता ही है जिसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं और यहाँ पर अगेन क्योंकि सिचुएशन जो कोविड नाइन्टीन की है वो ठीक ठाक है बढ़िया है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो रहा हो या बहुत ज़्यादा लेवल पे कोविड हो सो ये डिसाइड किया गया है टू कंडक्ट द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड एज़ पर द फॉलोइंग तो आपका टर्म टू तो का एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन जो है वो होंगे द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सी ने आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड किया था हमने भी शेयर किया है एंड यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा वो अगेन एग्जामिनेशन सेंटर्स के थ्रू होगा जैसा कि अभी तक होता आया है डेट शीट ऑफ क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ बहुत जल्दी रिलीज़ होगी सी बी एस ई डॉट नेक डॉट इन पर ठीक है तो ये आज का सर्कुलर है जो सीबीएसई ने दिया है तो कंफर्म किया जाता है कि ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू से आपके एग्जामिनेशन होंगे तो आप टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो